नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। कुचामन सिटी में देश भर में पूर्व सैनिक वन रैंक पर पेंशन के पार्ट टू में चल रही विसंगतियों को लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसी सिलसिले में कुचामन सिटी में भी पूर्व सैनिकों ने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बैनर तले उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और SDM कुचामन मनोज भादु के जरिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने बताया कि पूर्व सैनिक 2019 से अपनी इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। 2019 में पेंशन को लेकर जो टेबल जारी किया गया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसका खामियाजा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाले गए पेंशन टेबल में सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंकों में मामूली वृद्धि की गई है। इसके अलावा नायब सूबेदार ने ऑनरेरी कैप्टन तक की पेंशन में कटौती की गई है, जो कि न्यायपूर्ण फैसला है। सरकार द्वारा दिए गए 23,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के अधिकारियों को लगभग 90% राशि दे दी गई है, जिसका अधिकारी वर्ग के नीचे के सभी रैंकों के पूर्व सैनिकों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। इस दौरान सातवें वेतन सहयोग में भी भूतपूर्व सैनिकों को सही मापदंड अपनाते हुए लाभान्वित करने की मांग प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति से की गई। चाहे दिल्ली तक ही भूतपूर्व सैनिकों को जाना पड़े, वे अपना अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का भी उनका इरादा है। अधिकारी वर्ग को 2.81 का फैक्टर दिया गया है, JCOs और को 2.57 का फैक्टर दिया गया है। ये अनिश्चितता क्यों है, जबकि अग्रिम क्षेत्र में सबसे आगे जवान और JCOs फर्स्ट लाइन में रहते हैं, अधिकारी वर्ग तो पीछे रहता है। ये फर्क नहीं होना चाहिए। हमारे 7 पे कमीशन के अंदर भी हमारे जवानों को और JCOs को समान फैक्टर दिलाया जाए, और जो बीच में PMR आ गए, प्री मैच्योर, सेना में प्री मैच्योर नहीं होता है, सर्विस ऑफ एंगेजमेंट होता है 5+2, 17 ईयर्स होता है। अगर तो 17 ईयर्स पूरी करके आता है तो वो PMR नहीं होता, उसको पूरी पेंशन दी जाए। 14 के बाद में उसकी पेंशन बंद कर दी गई है, और जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनकी पेंशन बहुत कम है। अधिकारियों की वीर नारियों की पेंशन में कितना डिफरेंस है, वो नहीं होना चाहिए। वीर नारी तो सबकी बराबर होती हैं, और जो MSP है, मिलिट्री सर्विस पे, वो रिस्क पे है। एक अधिकारी को 15,500 रुपये मिलते हैं, एक JCO और जवान को 5200 रुपये मिलते हैं, और जो नर्सिंग असिस्टेंट है, जो नर्सिंग है, MNS है, जो हॉस्पिटल में बैठती हैं, उनको 10,500 रुपये। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जवानों को भी मतलब 15,500 मिलना चाहिए। अगर 15,000 नहीं दे पाती है तो अधिकारियों को भी घटा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे जो OROP में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उस विसंगतियों के कारण हमारा जो ORs और JCOs रैंक है उसने केंद्र सरकार ने बहुत भयंकर कमियां रखी है। उस कमियों को पूरी करनी है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से कि आप इन विसंगतियों को दूर करें, और जो भारतीय सेना में ORs और JCOs रहेंगे उनके साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय नहीं होना चाहिए, और उन वापस इसको रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करके इसको चेक करना चाहिए, और इसका जो बेनिफिट है हमारे जो नीचे का रैंक है, जो ORs JCO जो ORs रैंक है उनको बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए, उनके समान मिलना चाहिए अफसरों को, और हमारे दोनों के बीच में बहुत भारी अंतर रखा है। ये अन्याय है हमारे JCO जो ORs रैंक का, इसलिए इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हम दिल्ली तक जाएंगे इसके लिए, और जंतर मंतर पर बड़ा बड़ा पड़ाव डालेंगे।